हदीस बिहारुल अनवार सच्ची साबित हुई, लेकिन जो इमाम अपने अपने हिसाब से जो डिस्कशंस कर रहे हैं उसके अंदर गलतियां हैं। तो 80% बिहारुल अनवार किताब सच्ची साबित होती है। यूं कह लो कि जितनी भी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारतें दी 100% सही साबित हुई हैं, लेकिन उसके अंदर जो इमामों का अपने ख्यालात शामिल हैं वो गलत साबित हुए हैं। वो हकीकत में मेटाफोरिकल थे, वो ताबीर उसकी दूसरी जगह निकलना थी, उन लोगों ने गलत समझा, उनके एक्सप्लेनेशन गलत साबित हुए हैं, लेकिन नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा उनकी सारी बशारतें 100% सही साबित हुई हैं। आप बोलेंगे कौन सी हदीस से हम उस हदीस को नहीं मानते, हम फलां हदीस को नहीं मानते। अरे भाई, सारी हदीसें, ज़ईफ़ हदीसें भी पक्की सही साबित हो गई हैं माशाल्लाह से। अभी क्या चाहिए आपको? इस्लाम सच्चा साबित हुआ, अल्लाह सच्चा साबित हुआ, अभी क्या चाहिए मेरे भाई? अल्लाह का इतना बड़ा करिश्मा आपको बर्दाश्त नहीं है तो कैसे हैं आप? क्यों जुल्म करते हैं अपने आप पर? क्यों अल्लाह के निशानियों का इनकार करते हैं और क्यों मुर्तिद हो जाते हैं और मुनाफिक हो जाते हैं? आपके पास पहले तो इल्म बहुत है माशाल्लाह से, मगर मजहब का इल्म नहीं है। डॉक्टरेट पढ़ लिए हैं आप, डॉक्टरेट डॉक्टर बन गए हैं, इंजीनियर बन गए हैं, प्रोग्रामर बन गए हैं, एक ज़बरदस्त कंप्यूटर मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वाबस्ता हैं आप, साइंटिस्ट बने हैं, बड़े बड़े रॉकेट बना रहे हैं, लेकिन मज़हब का इलम, कुरान हदीस का वो इलम, वो डेप्थ नॉलेज आपको नहीं है, उसमें आप जाहिल हैं। और आपके पास फिर वक्त नहीं है देने के लिए, और ख्वाहिश नहीं है पूछने के लिए, और सवाल नहीं है करने के लिए अदब के दायरे में। ना आपके पास अदब है, ना आपके पास ख्वाहिश है, ना आपके पास तहक़ीक के लिए वक्त है, तो फिर आप क्या हक़ पाएंगे? क्या मेरे ऐलान को समझ पाएंगे? आप तो कब पैदा हुए, कब नमाज पढ़े, कब जहन्नुम में चले गए भी पता नहीं चलेगा आप, जब तक कि आप अपनी मौत को अपने आँख से ना देख लें। नमाज पढ़ते हैं लेकिन आपकी नमाज कबूल नहीं होगी जब तक कि आप दाबतुल मिल्लत के मौजूदे का इकरार ना कर लें। तो वक्त लगाना ज़रूरी है। पूरी किताब में जो सारे सबूतों को मैंने जमा किए हैं, वो सबूतों के बिना पर आपको तहकीक करना है, 5 घंटे लगते हैं तहकीक करने के लिए। जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपको ईमान लाना ही लाना है, तौबा करना है और मेरे साथ हो जाना है। क्या आपको इल्म है इस बात का? पहले ये बताइए, क्या आपको अदब है, गुड मैनर्स है, डिसिप्लिन है आप में? क्या आप ये बात को मानते हैं कि वो निशानात किसी ना किसी पे तो पूरे होने थे, और वो ईसा इब्ने मरियम महदी अलैहिस्सलाम पर ही पूरे होने थे, और वो शख्स आप निकले वो हो गए, तो हमें तो मानना ही पड़ेगा। आप इसलिए नहीं मानना चाहते, भाई इस शख्स को तो जो हमारे बीच रहा हम कैसे बर्दाश्त कर लें कि ये शख्स को हम मान लें, इसीलिए हम नहीं मानना चाहते। तो आप में हसद है, आप मुझसे हसद करते हैं, आप मुझसे जलते हैं, आपके अंदर हसद है, और हसद की आग आपको जहन्नुम में लेकर चले जाएगी। आपको तो चाहिए अल्लाह का शुक्र अदा करें और मेरे साथ हो जाएं। ऐ भाइयों, पहले पूरे डिटेल्स हासिल करो, फिर उससे चेक कर लो। आप देखो, बड़े बड़े लोग मुसलमान के बैठे हैं, जैसे अपने अपने तौर पे जो बैठे हैं, हारून याहिया ने कह दिया कि इंटरनेट दावतुल अर्ज़ है, इमरान हुसैन ने कह दिया कि अमेरिका दावतुल अर्ज़ है, फ़लाँ है, या कोई और है, उसने कह दिया वो फ़लाँ है, इसने कह दिया ये फ़लाँ है। ऐसे लोगों को आप, जाहिल लोगों को फॉलो करना चाहेंगे तो फिर असली ईसा मसीह मेहदी अलैहि सलाम के बारे में, जो कि मैं 100% साबित किया हूँ कुरान हदीस से, और अल्लाह ताला के सीन्स जो हुए रिकॉर्ड करके आपको बताया है, तो रिकॉर्ड हो गए हैं ये। रिकॉर्ड मैंने पे कोई पहले से प्लानिंग नहीं की थी, ये रिकॉर्ड हो गए तब अल्लाह ताला ने इल्म अता किया, तो मैंने रिकॉर्ड चालू किया और अल्लाह ताला से दुआ करते गया, वो आते गए, गवाही होते गई अलग अलग वक्त में पूरे। तो अल्लाह ताला खुद इस रिकॉर्ड को सारी दुनिया में फैलाने वाला था। तो महदी ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम, महदी अपने से कुछ नहीं करता, सब अल्लाह ताला की तरफ से होता है। लिहाजा आए मुसलमानों, अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला के निशानियों का कबूल करो, और मसीह दज्जाल मिर्ज़ा गुलाम अहमद उसके खलीफा हैं, फिरौन जैसी रियासत यही है, और दाबतुल मिल्लत ज़ाहिर हो चुका है, क़यामत सर पर है। मेरे भाइयों, समझने की कोशिश करो अल्लाह के वास्ते।